कैम शो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं JWE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था टीम ए प्लेस अ टेन मैचेस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यानी कि टीम ए जीते की उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड लूजिंग इज उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 देन द विनिंग ऑफ X मैचेस एंड लूजिंग हमको ऐसे करनी है कि X minus Y क्या हो less than or equal to 2 होना चाहिए then यहां पे find हमको करना है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है P एंड हमको फाइंड करना है थ्री रेस टू नाइन इन P इज इक्वल टू क्या होगा इन चारों में से तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हमको टोटल मैचेस कितने दिए हुए हैं टेन विनिंग को हम ले लेते हैं एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमको दी गई है वन बाय थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम वो हमको दी गई है टू बाय से हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे लेनी है कि एक्स माइनस वाई जब हम करें तो वो लेस देन और इक्वल टू टू आए टोटल मैचिज है टेन तो यहाँ पे फर्स्ट उसकी कंडीशन क्या होगी कि हम एक्स की जगह पे फोर ले सकते हैं एंड वाई की जगह पे ले सकते हैं सिक्स तो फोर माइनस सिक्स करेंगे तो मिलेगा माइनस टू मोड़ है तो माइनस प्लस टू हो जाएगा तो टू इज इक्वल टू टू मिल जाएगा दूसरा केस कौन सा हो सकता है टोटल मैचेस है तीन तो ये हो सकता है five, five वाला जीरो लेस देन टू होता है तो ये भी ले सकते हैं एंड तीसरा हम ले सकते हैं इसका उल्टा यानी कि एक्स की जगह पे सिक्स ले सकते हैं एंड वाई की जगह पे ले सकते हैं फोर यानी कि सिक्स विन हुए एंड फोर लॉस हुए तो सिक्स माइनस फोर हो जाएगा टू टू इज इक्वल टू टू यहां पे अगेन हमको मिल जाएगा चलिए तो इन सब को सॉल्व करेंगे हम कैसे वो देख लेते टोटल मैचेस है कितने टेन टेन में से वो विन कितने करेगा फोर आएगा टेन सी फोर विन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि x रेस टू फोर यानी कि वन बाय थ्री रेस टू फोर एंड टू बाय थ्री रेस टू आएगा सिक्स ये लूज के लिए है चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं एनसीआर की फॉर्मूला पता है एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन ियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा टेन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू सिक्स होता है 1, 3 4, 2 6 upon 3 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल

फाइव सिंप्लीफाई कर लेते हैं टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स अपॉन फाइव इंटू फोर इंटू थ्रीटोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल कैंसल इसका सिंप्लीफिकेशन होगा टू रेस टू फाइव अपॉन थ्री रेस टू टेन फोर इंटू टू एट थ्री से यहाँ पे थ्री नाइन इंटू थ्री 5 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा 2 5 2 इनटू 2 रेज़ 2 5 अपऑन 3 रेज़ 2 10, उसी तरह से इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 10 से आएगा 6 विन के लिए 1 बाय 3 रेज़ 2 विन के लिए 6 लूस के लिए 2 बाय 3 रेज़ 2 4 सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रे टू 6 2 रे टू 4 अपॉन 3 रे टू यहाँ पे मिलेगा 4 ये वैल्यू हमने सेम यहाँ पे फाइंड की क्या आएगी 2 1 0 2 रे टू 4 अपॉन 3 रे टू मिलेगा 10 तीनों वैल्यू हमको मिल गई तो p इज इक्वल टू क्या है इन सब का सम है यानी कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इन तीनों का सम यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू क्या मिली थी टू वन जीरो इन टू टू रेस टू सिक्स अपॉन थ्री रेस टू टेन प्लस टू फाइव टू इंटू अपॉन थ्री रेस टू टेन इन सब में से टू रेस टू फोर कॉमन ले सकते हैं टू रेस टू फोर कॉमन ले सकते हैं अपॉन थ्री रेस टू टेन कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा टू वन जीरो पे टू रेस टू फोर कॉमन निकल गए टू बचेगा टू रेस टू टू यानी कि फोर प्लस यहाँ से टू रेस टू फोर कॉमन क्या टू फाइव टू इंटू टू प्लस यहाँ से टू रेस टू फोर कॉमन यानी कि बचा टू वन जीरो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको टू रेस टू फोर अपॉन थ्री रेस टू टेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एट फोर जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव जीरो फोर प्लस टू वन जीरो तो इस ये हमको मिलेगा टू रेस टू फोर अपॉन थ्री रेस टू टेन इंटू वन डबल यहाँ पे हमको चाहिए क्या थ्री रेस टू नाइन चाहिए तो एक थ्री से क्या कर लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं तो टू रेस टू फोर अपॉन थ्री रेस टू नाइन क्या हो जाएगा थ्री से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो मिलेगा फाइव वन एट थ्री रेस टू नाइन यहाँ पे इज इक्वल टू क्या था पी था तो थ्री रेस टू नाइन को सामने की साइड भेज देते हैं यानी कि थ्री रेस टू नाइन इन टू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू रेस टू फोर इन टू फाइव वन एट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एट टू डबल एट यानी कि अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो हमको पूछा गया था